क्लास का टेस्ट पेपर है, अपनी क्लास के 5 पेपर्स में से ये एक पेपर है। एक पेपर हमने कल किया है और ये एक पेपर है, इसमें केवल 81 क्वेश्चंस है। केवल इतना सा कर लो। इसमें फर्स्ट 50 जो मैंने दिए हैं उसमें केवल एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें आपको एरर ढूंढना है, ओके? क्योंकि वहां एरर के नाम से वो ना पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो चार ऑप्शंस आते हैं उसमें यहां पर ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता इस रूल से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, गीता इज माय कजन सिस्टर। जब आपने गीता कह दिया तो इज माय कजन सिस्टर बोलने की जरूरत ही नहीं है। कजन, ब्रदर, कजन, सिस्टर, ये सब गलत है। कजन, गीता इज माय कजन। नंबर टू, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम। वन के साथ वन जाएगा। वन मस्ट फिनिश वन्स टास्क इन टाइम। वन जाएगा हिस की जगह। तीसरा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखो जब जूरी एक मत होती है तो वॉज, और जब एक से अधिक मत होते हैं तो वर, और इसलिए यहां पर वर। द जूरी वर डिवाइडेड इन, वहां हिज नहीं आ रहा है, देयर ही आ रहा है, इसलिए करेक्ट है, नो एरर। फोर्थ, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये पांचवा, शेली इज जूनियर देन वर्ड्सवर्थ, नहीं, सीनियर टू जूनियर टू, सीनियर टू जूनियर टू, तो इसलिए टू आएगा, देन नहीं आएगा। क्लियर है? मैनी अ मैन और मैनी अ मैन के बाद एक वचन क्रिया आता है, वॉज ड्राउंड इन द सी। ये सारे बस देख जाओ। अगला, ही इज stronger than any man, गलत है। He is stronger than any other man या all other men, याद है ना, any other man, all other men। आठवां, He behaves as if और as though के बाद वर आएगा। He behaves as if he were a king, not was a king. He saw आ रहा है past tense, that the clock has stopped. थोड़ी जब यहां past tense आ गया, वहां had stopped. अब ये देखो प्रीति, the patient died before the doctor arrived. दोनों जगह second form में the patient had died before the doctor arrived. ग्यारवा, हमने किया था adverbs of comparison में the आता है, the higher we go, भाई we go higher, तो adverb हो गया higher, the higher we go, the cooler we feel. rule क्या है? adverbs of comparison द लेते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन नहीं ले रहे, एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन ले रहे। एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन कुछ कंडीशंस में लेते हैं। 12th, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड विन द मैच। क्या एरर है? कुछ है क्या एरर? इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड विन द मैच। इन्होंने दे रखा है, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड रेगुलरली
यू वुड विन द मैच, तो वुड हैव आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हाँ, क्या आएगा, क्या आएगा? एरर का ही बताओ। अरे बच्चों लिसन, हाँ वुड हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? If you practiced regularly, you would win the match. Type 2. है ना? ये would have practiced में would have कटेगा. If you practiced regularly, type 2. Neither the size nor the color of the gloves were right. Was right. Neither was right. The coach asked the players if every one of them were ready. आएगा was ready. अभी यहाँ the jury is divided in their decision. Divided में are 16. She is having two sisters. She has. क्या आएगा? वहां है भी होगा ऑप्शन में. द टीचर आस्क्ड व्हाई यू आर लेट. व्हाई आर यू लेट? वेरी गुड. वुड यू माइंड हेल्प मी विद दीज क्वेश्चंस? वेरी गुड. सेम याद रखो, SAME सेम है ना. सजेस्ट अवॉइड माइंड एंजॉय. सजेस्ट अवॉइड माइंड एंजॉय. इन चार शब्दों के बाद आईएनजी आना है वर्ब. वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दीज क्वेश्चंस? अनलेस ही डज नॉट लीव दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग. अनलेस ही डज नॉट लीव दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग. सुषमा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Unless he does not leave this house, I will not say anything. Error का है? नहीं आएगा. हाँ? Okay, तो क्या सेंटेंस बनेगा? Tonight does not नहीं आएगा. Unless he leaves, does not leave पूरा जाएगा, leaves आएगा. Unless he leaves this house. 20. She's tallest of all the girls. The tallest. Stop smoking lest you should be caught. Lest you should be caught. Fir each of your sisters is very pretty. Fir the price of books. Price है ना, इसलिए एक वचन आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा. द प्राइस ऑफ बुक्स इज गेटिंग हायर एंड हायर. इफ आइदर ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट्स इज रिजेक्टेड आएगा, ना कि आर. ये सारे देख जाओ, ये सारे निचोड़ निकाल के डाल दिया ना, इनको देख जाना. मैरी अनलाइक हर पेरेंट्स हैज अ काम एंड स्वीट नेचर. I would like to lie down, letna, khud letna, for a few minutes. He talks as if ke baad kya aega? Were. He were her husband. Neither she nor I am going there. Tum log well prepared ho. You are well prepared. बस अब तुम इसको देख के जाना finally, है ना? You are very well prepared. The teacher with his 40 pupils is waiting to see you. No error. है ना? The teacher with his is waiting आएगा. One or two cars has already been sold. दे रखा है. Have already been sold.
She was sitting besides her aunt. Beside. She was sitting beside her aunt. S nahi aayega. What I want is more pictures. भले वहां मोर पिक्चर्स आ रहे हैं, अपन को तो सब्जेक्ट से मिलाना है. अब ये ध्यान दो, पीटर इज वेरी पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स नहीं आएगा. पीटर इज वेरी पॉपुलर विथ हिज क्लासमेट्स. विथ और अमंग में क्या अंतर है? विथ हिज क्लासमेट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैकडॉनल्ड्स एक फूड आउटलेट का नाम है. McDonald's is popular among restaurants. McDonald's एक restaurant and restaurant. अब among आएगा. Restaurant और ग्राहक with आएगा. देखो, understood? Restaurant और ग्राहक दो हो गए ना, एक restaurant ग्राहक, यहां अमंग आएगा. पर रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट वहां पर हमने अमंग, लिख लो इसको तुम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिखो. दो सेंटेंस लिखो. लिखो मैकडॉनल्ड्स इज पॉपुलर. McDonald's is popular among restaurants. McDonald's is popular among restaurants. मतलब कई restaurants में से एक restaurant McDonald's है. सारे रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में मैकडॉनल्ड्स ज्यादा पॉपुलर है. यहां तो हमने अमंग लगाया. 10 रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट पॉपुलर है, यहां तो अमंग आया. मैकडॉनल्ड्स स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, जो कंपेयर टू और कंपेयर विथ वाला मामला था ना, दो समान में विथ हमने लगाया था, इधर अमंग आ रहा है. तो यहां पर मैकडॉनल्ड्स इज पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स. मैकडॉनल्ड्स इज पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स और मैकडॉनल्ड्स इज पॉपुलर अमंग रेस्टोरेंट्स. इन दोनों सेंटेंस में फर्क ये है, कई एक रेस्टोरेंट्स में से ज्यादा पॉपुलर मैकडॉनल्ड्स है, कई एक रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट ज्यादा पॉपुलर है, यहां अमंग आया. और मैकडॉनल्ड्स किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, विथ आ रहा है. Peter is very popular among his classmates, नहीं, with his classmates. मतलब उसके सारे दोस्त उसको पसंद करते हैं. उसके सारे दोस्त उसको पसंद करते हैं. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. The teacher with all his students is in the class now. He got to the station just in time to catch the train. He got to the station just in time to catch the train. Error hai? No error. A number
number of questions was asked? Were, क्योंकि a number plural है, the number singular है. I am in hurry. A hurry, मैंने क्लास में लिखा है. I am in a hurry. It is not worth to buy. ये भी लिखा है क्लास में. Worth के बाद ing verb आता है. Not worth buying. It is not worth buying. If I had attended the training course, I would have learned something. Type 3. Had attended, would have learned. No error. Their means are simple. Means plural hai. Plural hi verb aa raha hai, are correct hai, no error. A bunch of keys is lying, not are. All citrus fruits are aigana keys. All citrus fruits are a rich source of vitamin C. One of my books are missing. Is missing. One of my books is missing. They will reach the office at 6 and reach at home by 7. They will leave the office at 6 and reach at home by 7. हाँ, मैंने आपको very good. मैंने होम के ऊपर आपको 8-10 लिखाए थे सेंटेंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. रीच एट होम नहीं, मैंने आपको कहा था रीच में प्रेपोजिशन इंक्लूडेड होता है. कर रखा है ना हमने रीच टू वगैरह, नहीं बोलते रीच टू, रीच एट. रीच डायरेक्ट आएगा, रीच के साथ प्रेपोजिशन मत लगाओ. व्हेन विल दे रीच टू होम, वही गलती. रीच के बाद टू वो नहीं आएगा. रीच के अंदर प्रेपोजिशन छुपा हुआ रहता है. एवरी डे वी हियर अबाउट इनोसेंट पीपल बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड. किल्ड इन कोल्ड ब्लड, किल्ड करो. अब ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज. इलेक्टेड में प्रेपोजिशन छुपा हुआ रहता है, एज नहीं लगाओगे. रीच्ड, इलेक्टेड. कल ना ही दोनों मुझे भेज देना, कल शॉर्ट्स बना दूंगी. रीच्ड, इलेक्टेड. इलेक्टेड एज नहीं, ही वाज इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी है. द मैनेजमेंट कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. Everyone agrees that the Ganga is the holiest river of India. In India. Very good. Hyperbole is, अब ये की वर्ड exaggerated देख लो, समझ लो यही आंसर है. B. A figure of speech in which statements are exaggerated or extravagant. Onomatopoeia is defined as a figure of speech where such words are used whose sound imitates the action meant, sense intended. बिल्कुल. A piece of literature which deals generally with the passing of or loss of men and the things they value is elegy. Nor cast one longing lingering look behind. कौन सा figure of speech? Alliteration. Free somebody of blame or guilt by stating officially in court that the person is not guilty. व्यक्ति दोष मुक्त है. Acquit one who does something for the first time. Pioneer. A person leading a life of strict self-discipline
असेटिक, असेटिक बिल्कुल वो साधु संत जैसा, फिट टू बी ईटन, एडिबल, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। कई बार व्यक्ति इतना बीमार होता है, इतना तड़प रहा होता है, पता है मरेगा अब तो कोई मतलब ही नहीं है जीने का, पर उसकी तड़पन में उसके घर वाले, फिर वो व्यक्ति भीख मांग रहा होता है कि मेरे को कुछ दे दो, ये खत्म हो जाए बस, मैं जाना तो है ही, दर्द सहन नहीं हो रहा। ऐसे में डॉक्टर्स उसको कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे कि मौत तुरंत हो जाए, तो उसको ये यूथनेशिया, हाँ याद रखो, एस्फिक्सिएशन आपका दम घुटकर मरना, इमोलेशन जलकर मरना, अ ह्यूमरस ड्रॉइंग, डीलिंग विद करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, कार्टून, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, सब्सिस्टेंस, इतना कि गुजारा हो जाए। A person learning a trade under someone, assistant नहीं होता, apprentice होता है, apprentice, that which is unlawful, गैर कानूनी, illicit, made or done without previous preparation, तुरंत, impromptu, those who pass through this gate without permission will be prosecuted, क्या लिखा रहता है, अतिक्रमण करने वालों को, है ना, तो trespassers कहते हैं, अतिक्रमण करने वालों को trespassers कहते हैं, change the appearance, भेस बदल लेना, to deceive or to hide the identity, disguise, an excessive fear of confined spaces, बंद जगहों से डरना, claustrophobia, मतलब कहीं खुले में भी सुनाएंगे ना, किसी कमरे में डाल दो कहीं की दम घुट रहा है, बीमारी होती है। अब to eat one's own words means to be forced to take back one's own statement, याद करके जाना ही सब, कुछ कह दिया अब अपन को अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। To eat one's own words, the phrase red tape means system देरी करता है, official procedures causing delay, मतलब आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है बट उसके इतने कानून है, इतने नियम है कि लेट पे लेट होता जा रहा है, इसको कहते हैं रेड टेप, ऑफिशियल प्रोसीजर्स मतलब सरकारी कार्यवाही में डिले हो रहा है। टू बी एज हार्ड एज नेल्स मींस बेरहम होना, अनरिलेंटिंग, टस से मस नहीं होना, to cut a sorry figure means, to make a poor impression, impression खराब हो जाना, to shed crocodile tears means, to pretend grief. A close shave means narrow escape from danger. To show a clean pair of heels means to escape. ये सारे देख जाना। मम्मी 72 वाला। To shed मगरमच्छ के आंसू किसको कहते हैं? इसमें ये भी तो हो सकता है to be professionally कोई मतलब बहुत एक्टिंग कर रहा है रोने की बीच में। प्रोफ्यूसली का मतलब बहुत अधिक रोना, प्रोफेशनली थोड़ी है वो, प्रोफ्यूसली है। प्रिटेंड ग्रीफ,
नहीं, अगर प्रोफेशनली होता तो भी क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं होते। क्रोकोडाइल टीयर्स वो लोग रोते हैं जो जनरली परिवार वाले होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, वो जो टीयर्स उनको एक्चुअली क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। मतलब जो फैमिली के लोग रोते हैं जनरली हम उनके लिए यूज करते हैं। वो रुदाली जो होते हैं वो भी क्रोकोडाइल टीयर्स ही बाहर होते हैं। वो तो ठीक है, उनका तो काम ही है, पर अपन ऐसे कहते हैं ना, देखो कुछ इनका कोई भाई भाई में कोई वो था नहीं आपस में, इनका जिंदगी भर तो लड़ते रहे, अब मरने के बाद वो क्रोकोडाइल टीयर्स बाहर। ये वाली सब ये हो गया ना। To show a clean pair of heels means to escape. To fight tooth and nail means jump kar ladna. To oppose resolutely and fight the losing battle. Bali haarne par ladenge. When I entered the house, everything was at sixes and sevens, bikhra hua, in disorder or confusion. The inspector was caught red-handed. Kya aega? Caught in the act of committing the crime. Put a spoke in one's wheel means put a spoke, obstruct progress. ना ऑब्स्ट्रक्ट करना अपने किया था ना साइकिल के उसमें। टू बीट अबाउट द बुश मींस मुद्दे की बात पर नहीं आना। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मींस वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। क्रोकोडाइल टीयर्स प्रिटेंस ऑफ सैडनेस। चलो ये एक टेस्ट हो गया, बंद कर दो वीडियो।